ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साईसा चरित्र प्रसंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीमती तरखंड हमारे प्रसंग का नाम है। श्रीमती तरखंड बाबा की परम भक्तों में से एक श्रीमती तरखंड खुद न जा पाए, पर अपना प्रसाद कोई न कोई भेंट बाबा के दरबार तक भिजवा देती थी अपनी भावनाओं के साथ। मेरे साईं, मेरे बाबा, जी हाँ, मेरे साईं, मेरे बाबा हमेशा ऐसा ही कहती थी, मेरे बाबा हैं, मेरे साईं हैं। आप शिरडी जा रहे हो तो भेंट स्वरूप आप ये जरूर लेकर जाइएगा, मेरी ये वस्तु बाबा तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। श्रीमती तरखंड के प्रसंग में जैसे कि एक बैंगन का भुर्ता और दूसरे का काजरिया। बैंगन का भुर्ता सभी में वितरित हो चुका है, अब बाबा ने क्या मांगा? काजरिया। बात कहां तक पहुंची? राधा कृष्ण माई तक। राधा कृष्ण माई ने कहा, काजरिया काजरिया कहां से लाके दूं? अरे बैंगन का तो सीजन ही नहीं है, और जब बैंगन का सीजन ही नहीं है तो बैंगन का, अरे काजरिया कहां से लाके दूं? सभी ने कहा, पर अभी तो बैंगन का भुर्ता वितरित हुआ है। राधा कृष्णा माई बात कहां पहुंच गई? पुरुंदरे, श्रीमती पुरुंदरे। अब श्रीमती पुरुंदरे के सामने जब ये बात रखी गई कि बैंगन का भुर्ता आप लाई हो तो मेरा काचरिया कहां पर है, श्रीमती पुरुंदरे श्री दोनों पति पत्नी रघुवीर भास्कर पुरुंदरे दोनों हाथ जोड़कर बाबा के समक्ष बैठ गए, क्योंकि श्रीमती पुरुंदरे काचरिया नहीं लाई थी बनाकर, केवल बैंगन का भुर्ता बनाकर लाई थी। बाबा ने कहा कि इतनी भावना के साथ, इतने प्रेम के साथ भक्त ने मुझे काचरिया और बैंगन का भुर्ता तुम्ही कहा बनाकर देना, तुम भुर्ता लाई काचरिया नहीं? अरे ये तो उसका भाव है मेरे प्रति ये भाव बहुत बड़ी चीज है। आपने क्षमा मांग ली, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनका काचरिया और उनका भर्ता स्वीकार हो गया, उनकी भावना से ही मैंने स्वीकार कर लिया। जी हाँ, श्रीमती पुरुंदरे जिन्होंने बैंगन का भुर्ता तो बना कर दिया लेकिन काचरिया नहीं। अधिकतर हम क्या सोचते हैं, ऊपर बैठा देख थोड़ी ना रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, वो सब कुछ देखता है, अच्छा भी बुरा भी सब कुछ, वो हमारी अच्छी भावनाओं को भी देखता है। बाबा ने श्रीमती पुरुंदरे का बैंगन का भुर्ता बनाना और काचरिया ना बनाना, फिर उनका क्षमा मांगना, इसी पर श्रीमती तरखंड ने जो भी भाव के साथ, जो भी भाव, वो भाव बाबा ने वहीं से स्वीकार कर लिया। कहा मेरी माँ मुझे कुछ ना कुछ अवश्य भेजती है और मैं अपनी माँ से हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, मेरी माँ है ही ऐसी। जी हाँ, श्रीमती तरखंड को साईं बाबा
माँ कहते थे, माँ। धन्य श्रीमती तरखंड जो बाबा उनकी भावनाओं की कदर करते थे और उन्हें माँ कहते थे। इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा फिर मिलती हूँ अगले प्रसंग में। ओम साई राम। साईनाथ महाराज आप सब पर कृपा करें, आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम साई राम।